नमस्कार, मैं गुलशन सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं भादरा लाइव न्यूज़। भादरा क्षेत्र लगातार शिक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है और इसी बीच आपको बताना चाहेंगे कि आज हम टैगोर स्कूल में मौजूद है और आज विशेष बातचीत के लिए, क्योंकि टैगोर स्कूल भादरा में लगातार अपनी सेवा दे रहा है। यहाँ पर ग्रामीण परिवेश, भादरा शहर और आसपास के क्षेत्र के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। हमारे साथ यहाँ की प्रिंसिपल डॉक्टर रिचा गर्ग जी इस वक्त मौजूद है और इनसे हम बातचीत करने के लिए आए हैं। और रिचा जी से आज विशेष शिक्षा के क्षेत्र में टैगोर स्कूल किस तरीके से काम कर रहा है, उस मामले में हम इनसे बातचीत करेंगे। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैम, गुड आफ्टरनून। जी मैम, मैम पहला प्रश्न ये रहेगा और प्रश्न थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि भादरा शहर की बात करें, कस्बे की बात करें, तो सर मैडम टैगोर स्कूल के बारे में ऐसी चर्चा चल रही है कि टैगोर स्कूल किसी और ने ले लिया, किसी और ने अपने हस्तु कर लिया, टैगोर स्कूल जो यहाँ के मालिक है उन्होंने बेच दिया। क्या कुछ मैम इस मामले की सच्चाई है? सी मिस्टर गुलशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दिस थिंग कि दिस इज ओनली अ र्यूमर। ये सिर्फ एक अफवाह फैलाई गई है। दिस र्यूमर इज अ फेक, एक झूठी अफवाह है। मिस्टर नितिन शराफ, ही इज़ आर चेयरमैन, इन अ पास्ट ही वॉज आर चेयरमैन, इन अ फ्यूचर ही विल बी। मिस्टर नितिन शराफ ही स्कूल देखते हैं, फ्यूचर में भी वही देखेंगे और प्रेजेंट में भी वही देख रहे हैं। तो ये तो एक र्यूमर है जो हमारे कम्पिटिटर स्कूल्स ने फैलाई है। कि क्या होता है कि जैसे मेरा एक मैसेज भी है अपने कम्पिटिटर स्कूल्स को कि इफ़ दे वॉन्ट टू डू अ कम्पिटिशन देन दे शुड इन अ हेल्दी मैनर। अगर वो कोई कम्पिटिशन करना चाहते हैं तो हेल्दी मैनर में कम्पिटिशन करें, इस टाइप की र्यूमर मार्केट में क्रिएट ना करें। स्कूल का सेल आउट है या नहीं है, डेट्स अ इंटरनल मैटर ऑफ अ स्कूल, फाइन। देन सेकेंड थिंग इज डेट कि अगर आपने कंपटीशन करना है देन यू शुड एड अप सम फैसिलिटी इन योर स्कूल कैंपस। आप अपने स्कूल के कैंपस में कुछ फैसिलिटीज ऐड करें कि जैसे आप अपने हम भादरा के बच्चों को या भादरा के आसपास के जो विलेज हैं वहाँ के बच्चों को कुछ और अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएं कि उनको बाहर की तरफ ना जाना पड़े। जैसे अब हम देखते हैं कि टेंथ के बाद बच्चे हिसार, कोटा, सीकर, यहाँ पे अपना ज़्यादा रुझान करते हैं। वहाँ पे भी क्वालिफाइड स्टाफ है, हमारे यहाँ पे भी क्वालिफाइड स्टाफ है। अगर हम इन अफवाहों पे ना जाके इन एक्टिविटीज़ पे, इन फैसिलिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें तो भादरा के बच्चे और ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर पाएं। आपके अनुसार जो अफवाह बाजार के अंदर फैली है मैडम, वो आपने खंडित कर दिया कि वो पूर्ण रूप से झूठी है, और जो आपके जो कंपिटिटर स्कूल है यानी और निजी शिक्षण संस्थाएं जो आपकी बराबरी नहीं कर पाती, उन्होंने अब बुराई करना शुरू कर दी है। उन्होंने इस टाइप की अफवाहें फैलानी स्टार्ट कर दी है कि आप हमसे कंपटीशन तो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भादरा में जितने भी सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल हैं उनमें से सबसे पुराना स्कूल हमारा है। अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ के हिसाब से तो भादरा के जितने भी सीबीएसई स्कूल हैं उनमें से सबसे डिफरेंट फैसिलिटीज़ हम लोग देते हैं। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हम लोग देते हैं, तो बाकी स्कूल वो फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। जैसा हमारा सिस्टम है वैसा सिस्टम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो ये चीज़ तो नहीं कर पा रहे हैं। इसके रिटर्न में क्या कर पा रहे हैं, वो सिर्फ अफवाहें फैला रहे हैं हमारे बारे में कि झूठी अफवाहें फैलाएंगे, क्योंकि अभी एडमिशन्स का टाइम है। और आप यकीन मानेंगे मिस्टर गुलशन कि मेरे पास सितंबर अक्टूबर तक भी एडमिशन्स आई हैं। भादरा के और किसी स्कूल में सितंबर अक्टूबर में एडमिशन्स नहीं है, हमारे पास जूनियर क्लासेस में भी सितंबर अक्टूबर में एडमिशन्स आई हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि कंपटीटर स्कूल्स ये चीज़ तो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो हमारे बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। जो टैगोर स्कूल बिकने की एक तरीके से कहे तो अफवाह चली थी, वो पूर्ण रूप से इन्होंने उसको खंडित कर दिया है। और इन्होंने ये बात भी बताई है कि इनके जो कंपटीशन वाले स्कूल है, यानी कंपटीशन प्रतिस्पर्धा प्रत्येक काम के अंदर होती है, किंतु अगर किसी की बराबरी किसी से नहीं की जाती तो उसकी बुराई की करी जानी शुरू हो जाती है। मैडम, और टैगोर स्कूल क्यों भिन्न है मैडम और स्कूलों से? क्यों जो और स्कूल है वो कंपटीशन में आपके हैं और आपकी बराबरी ना करके बुराई शुरू कर देते हैं? क्या कुछ ऐसी मैडम सुविधाएं स्कूल के अंदर है? सी, वी आर हैविंग अ टोटली डिफरेंट सिस्टम। हमारे स्कूल का बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट सिस्टम है। हम हर चीज़ को प्रॉपर मैनर में ही बच्चों को प्रोवाइड करवाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारे जो स्कूल के चेयरमैन सर हैं उनका ये मानना है कि अगर पेरेंट हमें फीस दे रहा है तो डेफिनेटली वो रिटर्न में बेटर फैसिलिटी ही एक्सेप्ट करेगा हमसे। अदरवाइज क्या होता है, जैसे अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें भादरा के सीबीएसई, अगर हम सारे जितने भी एफिलेटेड स्कूल हैं भादरा के, उनमें और हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे ATL लैब है, अटल टिंकरिंग लैब, रोबोटिक लैब बोला जाता है, वो हमारे स्कूल में है।
फाइन. सेकंड थिंग इज दैट अटल टिंकरिंग लैब के साथ ही एक कंप्यूटर लैब है जिसमें हमारे पास अप्रोक्सीमेट 30-35 कंप्यूटर है. हमारे स्कूल का एक फिलॉसफी है कि वन कंप्यूटर फॉर अ वन चाइल्ड वन स्टूडेंट, कि एक सिस्टम पे हम तीन तीन चार चार बच्चों को नहीं बिठाते हैं, एक सिस्टम पे सिर्फ एक ही बच्चा हम अलाउ करते हैं. हमारी लाइब्रेरी की बात करें, हमारी लाइब्रेरी में अप्रोक्सीमेट 10,000 के आसपास बुक्स हैं. हर कैटेगरी की है, ये नहीं है कि सिर्फ एक जूनियर सेक्शन के लिए अलग से बुक्स हैं. जूनियर सेक्शन के लिए डिफरेंट बुक्स हैं, सीनियर सेक्शन के लिए डिफरेंट हैं. अगर बच्चे जैसे साइक्लोपीडिया होता है कि आज के डेट में बच्चे मोबाइल की तरफ अपना ज़्यादा रुझान करते हैं कि अगर बच्चे मोबाइल पे ना चेक करें, स्कूल की लाइब्रेरी का बेनिफिट उठाएं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है. इसके अलावा अगर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हमारे स्कूल में जो हम आर्चरी क्लासेज हैं वो भी बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, शूटिंग क्लासेज हम प्रोवाइड करवाते हैं. हमारे स्कूल का अगर आप ग्राउंड देखेंगे, दैट्स अ ह्यूज ग्राउंड, बहुत बड़ा ग्राउंड है. हमने अपने स्कूल ग्राउंड में, स्कूल कैंपस में ही 2 नेशनल टूर्नामेंट्स करवाए हैं, और जहाँ पे इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें से 20-25 स्टेट्स के बच्चे हमारे स्कूल कैंपस में ही उन्होंने स्टे किया था. तो आप इसी से एक गेस कर सकते हैं कि कितना बड़ा स्कूल कैंपस और कितना अच्छा ग्राउंड है कि हमने 2 नेशनल टूर्नामेंट करवाए. और हम ये बच्चों को भी, अपने बच्चों को भी फ्रीडम देते हैं कि जैसे अगर उनका मन है कि उन्होंने कबड्डी खेलना है, खो खो है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन, हाँ, हम हमारी साइड से कोई प्रेशराइज नहीं है कि ये नहीं है कि स्पेस नहीं है तो बच्चे नहीं खेलेंगे. वो जो भी गेम में खेलना चाहते हैं, जिसमें भी उनका इंटरेस्ट है, उसके लिए स्कूल उनको पूरा प्रॉपर मोटिवेट करता है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी चीज के लिए. मैडम, स्पोर्ट्स एजुकेशन ये प्रत्येक स्कूल में अब कॉमन हो गई है. आपके विरोधियों ने आपका विरोध तो कर दिया है, किंतु विरोध विकास का दूसरा नाम है. क्या कुछ मैम स्कूल में नया आप शुरू करेंगे, आप क्या नया विकास स्कूल के लिए लेके आएंगे, जो कि आपके प्रतिद्वंदियों को, भादरा के जो गार्जियंस है, भादरा के जो लोग हैं, जो अपने बच्चों का उज्ज्वल भविष्य देखते हैं, ग्रामीण परिवेश के अधिकतर हमारे यहाँ लोग हैं, क्या उनके लिए मैडम कुछ नया लेके आ रहे हैं? देखिए, हमारा, मैंने पहले भी आपको बताया कि भादरा में सबसे पहले हमारा ही स्कूल था, CBSE एफिलेटेड स्कूल. अगर हम कहें कि भादरा इज नंबर 1 CBSE एफिलेटेड स्कूल. सेकंड थिंग इज दैट ATL लैब जो हमने लास्ट टू लास्ट ईयर ओपन किया था, अब हम बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए एक डे बोर्डिंग स्कूल का फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे. हम इसको कंपलसरी नहीं करेंगे, अभी हम पेरेंट्स के सामने ये ऑप्शन रखेंगे कि इसमें बेनिफिट क्या होगा. कि जैसे जो भादरा के बच्चे हैं, पहले हम ये कैटेगराइज करेंगे कि स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे आते हैं. जैसे कुछ भादरा से बच्चे आते हैं, भादरा के आसपास विलेजेस से भी बच्चे आते हैं. जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या होता है कि जो गार्जियन है वो इतना एजुकेटेड नहीं होता है, कि हम भादरा के सिनेरियो की बात करें, जो विलेजेस के पेरेंट हैं वो नहीं करवा पाते हैं बच्चों को, तो उनका रुझान कहाँ पे होता है, ट्यूशन की तरफ होता है. और विलेजेस में बच्चे को ट्यूशन इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाती है, ना ही ट्यूशन इतनी ईजिली अवेलेबल हो पाती है, और अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात करें वो भी बच्चा इतना नहीं पार्टिसिपेट कर पाता है, कि एजुकेटेड टीचर्स मिलना भी मुश्किल हो जाता है. क्योंकि हर टीचर का, हर पर्सन का अपना डिफरेंट डिफरेंट मेथड होता है, कि हर कोई अपने अकॉर्डिंग ही बच्चे को टीच करेगा. तो इसमें बच्चों को क्या बेनिफिट हो जाएगा कि स्कूल में जैसे नॉर्मली स्कूल जो बच्चे स्टे करता है 6 साल स्टे करता है, राइट, तो हम डे बोर्डिंग फैसिलिटी में बच्चों को 2-3 आवर्स और एक्स्ट्रा स्कूल में ही रखेंगे. उसमें 2-3 आवर्स जो हम रखेंगे उसमें हम प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना चाहेंगे कि बच्चों का एजुकेशन, स्टडीज का, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ को करिकुलम एक्टिविटीज भी, कि सारी एक्टिविटीज का प्रॉपर बैलेंस हो पाए. कि स्टडी को भी हमने प्रायोरिटी पे रखना है, हमने और चीज़ों को भी प्रायोरिटी पे रखना है. क्योंकि अगर हम आज की बात करें मिस्टर गुलशन के, जो आज का करंट सिनेरियो है, उसमें ऑलराउंडर पर्सन का ही रिक्वायरमेंट होता है, कि बच्चा स्टडी में बहुत अच्छा है और चीज़ों में वो बच्चा आगे नहीं जा पा रहा है. तो डे बोर्डिंग में क्या बेनिफिट होगा पेरेंट को भी और बच्चे को भी, कि मैक्सिमम टाइम बच्चा स्कूल में स्पेंड करेगा, उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा कि एक आप घर में क्या बात कर रहे हैं और एक बच्चे का स्कूल में क्या वे ऑफ टॉकिंग है, उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. जब बच्चा मैक्सिमम टाइम स्कूल में स्पेंड करेगा, यानी शिक्षा के अंदर मैडम टाइम और जुड़ जाएगा, यानी हाँ जी, स्टडी टाइम बच्चे का बढ़ जाएगा, स्टडी टाइम के साथ साथ और एक्टिविटीज का टाइम भी हम इंक्रीज करेंगे. कि जैसे 6 आवर्स का मैंने आपको पहले ही बताया कि 6 आवर का स्कूल होता है नॉर्मली, तो अब हमारा 2-3 आवर्स हम और एक्स्ट्रा करेंगे, जिसमें बच्चे को बेनिफिट ही होगा. बेनिफिट उसको स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिट होगा और एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिट होगा. जैसे अगर हम बात करें स्पीकिंग क्लासेस की, स्पीकिंग में क्या होता है कि बच्चे को घर में वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता. अब आप देखिए, अगर हम कभी पेरेंट्स से बात करें, या पेरेंट्स से आपकी भी बात होती होगी, पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों भेजता है? उनका ये मानना होता है कि बच्चा स्कूल में जाके थोड़ा सा स्पीकिंग स्किल सीखे. लेकिन अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाके स्पीकिंग स्किल नहीं सीख पा रहा, तो उसका तो कोई बेनिफिट नहीं है ना. जैसे कहने को कई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, लेकिन आप भी देखेंगे वहाँ का सीनियर बच्चा ही इंग्लिश नहीं बोल पाता. और अगर आप हमसे पूछेंगे, मेरा यहाँ पे फर्स्ट क्लास का बच्चा भी
स्टेज संभाल लेता है। टीचर भी नहीं बोलते ना, इंग्लिश में एंकरिंग कर लेते हैं बच्चे। मीन्स हमारे स्कूल में जो बच्चों का सिस्टम है कि एक होता है कि फंक्शन अगर हम करवा रहे हैं, जैसे अभी हमने 14 नवंबर को द कार्निवल, जिसे बाल दिवस भी बोला जाता है, 14 नवंबर को करवाया था। उसमें बच्चों ने ही सारी चीजें मैनेज की थी, बच्चों ने ही स्टॉल लगाए हैं, एवरीथिंग मैनेज्ड बाय द फेयर बोल सकते हैं आप इसको, द कार्निवल। उसमें सारी चीजें बच्चों ने ही मैनेज की थी। हमारे स्कूल में जो भी फंक्शन होते हैं, टीचर कोऑपरेट करते हैं बच्चों के साथ, डेफिनेटली टीचर ही गाइड करेंगे बच्चों को। लेकिन जैसे 15 अगस्त को हमने इंडिपेंडेंस का फंक्शन किया था, पेरेंट्स वर ऑल्सो इन्वाइटेड, पेरेंट्स भी इन्वाइटेड थे। उसमें सारी चीजें मैक्सिमम बच्चों ने मैनेज की थी। तो देखिए कितनी अच्छी अचीवमेंट है कि अगर बच्चों को पता चल जाए कि इस एज में, स्कूल टाइम में बच्चों को पता चले कि कैसे चीजों को संभालना होता है, कैसे चीजों को करना होता है, मैं मानती हूँ सबसे बड़ी अचीवमेंट है स्कूल के लिए। बच्चे की एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए सबसे बढ़िया माहौल होता है। ऐसे में मैडम स्कूल भी एक तरीके से कहें तो शहर की एकदम पूरी चहल पहल से बाहर की साइड है, बच्चों को एक तरीके से अच्छा यहाँ पे कहें तो माहौल मिल जाता है पढ़ने के लिए, क्योंकि शांति बड़ी जरूरी होती है किसी काम को करने के लिए। ऐसे में और क्या कुछ मैडम यहाँ पे आप सुविधाएं देंगे, क्योंकि बात करें कार्यक्रम करवाने की या एक्टिविटीज की तो टैगोर स्कूल का पहला नाम आता है यहाँ पे। ATL लैब का उद्घाटन किया गया था, जब भी तब भी अच्छा रिस्पॉन्स आया था लोगों का, उसके बाद आपने बता रहे फेयर लगवाया था, और क्या कुछ मैडम एक्टिविटीज करते हैं? देखिए हमारे स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चों का, हर बच्चे का अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट क्राइटेरिया होता है इंटरेस्ट का, कि जैसे बच्चे जो होते हैं कि सिर्फ एक स्टडी को हम प्रायोरिटी नहीं दे सकते, नो डाउट स्टडीज़ आर टॉप प्रायोरिटी, लेकिन स्टडी के साथ साथ आज की डेट में को करिकुलम एक्टिविटीज़ भी होती हैं। जैसे हम बच्चों को सिर्फ ये नहीं है कि बुक में टॉपिक है तो टीचर ने टीच कर दिया बुक से टॉपिक, बच्चे को वो प्रैक्टिकल बेस पे भी करवाया जाता है। जैसे अभी हमने लास्ट टाइम एक एक्टिविटी करवाया था, थर्ड क्लास के बच्चों के पास मैथ में एक चैप्टर था है वेट, वेट एंड वेट मेजरमेंट, कि बच्चे वेट मेजरमेंट करना सीखेंगे। तो टीचर ने बच्चों को क्लास में थ्योरी पोर्शन में वो चीज करवाई, देन नेक्स्ट डे बच्चों ने प्रैक्टिकल, छोटे थर्ड क्लास के बच्चों ने अपने जूनियर जैसे प्ले, नर्सरी, LKG, फर्स्ट, सेकंड, उनका वेट मेजर किया, देन दे कैलकुलेट कि हाउ टू कंसिडर या हाउ टू मेजर द वेट। दिस इज अ बिग थिंग कि जब बच्चे एक्टिविटीज़ के बेस पे करना स्टार्ट करें, कि स्टडी के साथ साथ उनको एक्टिविटीज़ भी आनी चाहिए, कि जो स्टडी का टॉपिक है, जैसे आपके पास, हमारे पास जो छोटे बच्चे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के जो बच्चे होते हैं, या फोर्थ, फिफ्थ ग्रेड के जो बच्चे होते हैं, उनके पास शेप्स आता है मैथ में आता है या साइंस में आता है। हमारे पास एक बहुत अच्छा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लैब है जो 12th क्लास के लिए होती है, उसमें हम छोटे बच्चों को भी एंटरटेन करवाते हैं। एंटरटेन इन द सेंस कि जो उनके साइंस के टॉपिक हैं, उनको सब्जेक्ट में बुक में उन्होंने सिर्फ देखा है या सुना है, फाइन, तो हमारे टीचर उनको प्रैक्टिकल लैब में, जो फिजिक्स लैब है वहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ दिखाते भी हैं हम। अब जैसे केस स्टडी मेथड है, वो भी एक्टिविटी बेस्ड होता है। उसमें हम बच्चों को ये नहीं है कि बुक से, जो बुक में पीछे क्वेश्चन है कि आप वो क्वेश्चन कर लीजिए, नो, उसमें बच्चों को बताया जाता है कि आप अपने आप से फाइंड आउट करें क्वेश्चन, इंटरनल क्वेश्चन। ये इस टाइप में एक्टिविटी हो जाते हैं कि जिससे बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, जिसे हम IQ लेवल बोलते हैं, वो बहुत एनहांस होता है। क्योंकि एक्टिविटीज़ के साथ साथ बच्चे सीखेंगे, देन बच्चे करेंगे, और उससे वो ज़्यादा अपने माइंड में ग्रैप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने, अब हमारी कोई बात हो रही है, अगर उसमें बच्चों को लगे कि बोर हो रहे हैं बच्चे, तो बच्चे स्कूल में करेंगे, घर जाके डेफिनेटली दे विल फॉरगेट। लेकिन अगर उसको एक्टिविटीज़ के साथ करेंगे तो बच्चे उसको कभी भूलेंगे नहीं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अब हमारी जो ये मंथ ऑफ द ईयर है या वीक्स हैं, छोटे बच्चों को हमें ऐसा नहीं है कि बस करवा दिया, तो टीचर उनको प्रॉपर गेम्स के मैनर में करवाते हैं। कि मेरा कहने का मेन मतलब ये है कि हम जो सिर्फ एक थ्योरी के ऊपर एम्फिसाइज नहीं करते हैं, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पे भी एम्फिसाइज करते हैं, और अपनी एक्टिविटीज़ को हम उसी मैनर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अभी हमारी बात हुई थी, मैंने अभी आपको बताया कि हमने जो कार्निवल लगाया था, उसमें हमने बच्चों को क्या चीज़, हमारा मेन पर्पज़ क्या था कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं और मनी कैसे अर्न करते हैं, जैसे आज की डेट में बच्चे इजली कह देते हैं कि ये चीज़ लेना है, मनी का वैल्यू नहीं कर पाते हैं बच्चे, ये तो भी एक स्टडी का पार्ट है। और इसको हमने एक्टिविटी में समझाया बच्चों को कि अब आप ही अपने आप से चीज़ बनाएं, फाइन, और अपने आप से अलाउट करें, देन डेफिनेटली यू कैन अर्न, डेफिनेटली यू कैन लर्न कि हाउ टू अर्न, कि आप इजिली लर्न कर पाएंगे कि पापा मम्मी पैसे कैसे कमाते हैं, कि दैट्स नॉट अ वेरी इजी जॉब है, कि आप कैसे करेंगे। भावनाओं से जोड़ते हैं आप बच्चों को, भावनाओं से जोड़ेंगे और उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजें दिखाई जाएंगी, उनको शो की जाएंगी, देन दे कैन लर्न। अब जैसे उनका कोई टॉपिक है, अब हमारे जैसे चेयरमैन सर का ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग का काम भी है, तो हम उसमें भी बच्चों को कनेक्ट करते हैं, कि विजिट पे जाते हैं बच्चे, कि देखें बच्चे कि ईंटें कैसे बनती हैं,
क्योंकि ये जो बड़ी क्लासेस होती हैं 6th, 7th, 8th उसमें ये टॉपिक आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइंस के टॉपिक आते हैं, आपके कॉमर्स में टॉपिक आते हैं या आपके SST में टॉपिक आते हैं कि सॉइल डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। तो जैसे सर का जो हमारे चेयरमैन सर हैं उनका बिजनेस बहुत एक्सपेंड है, तो उनकी हेल्प से भी हम बच्चों को काफ़ी चीज़ें सिखा पाते हैं प्रैक्टिकल बेस पे कि वो एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट हो जाए। तो हमारे साथ डॉक्टर रिचा जी थी जिन्होंने बड़े शानदार तरीके से स्कूल की तमाम गतिविधियों और स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में अवगत कराया। हमारे साथ टैगोर स्कूल के चेयरमैन नितिन सराफ जी इस वक्त मौजूद है। नितिन जी, सर स्कूल जो बिकने की एक तरीके से शहर में चर्चाएं चली थी वो मैडम ने खारिज कर दिया है, खंडित कर दिया है उस बात को कि वो एकदम से झूठी है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल गुलशन जी, नमस्कार, आपका स्वागत है टैगोर में, काफ़ी दिन बाद में आए हैं आप। जी जी, तो ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में रूमर है और काफ़ी दिनों से चल रहा है ये रूमर, एक साल हो गया लगभग। तो किसी पर्टिकुलर बंदे ने क्या किस वे में क्या बोला है हमें तो खुद को भी नहीं समझ आया, ऐसी कोई बात थी नहीं है, है भी नहीं और भविष्य में भी नहीं होगी, क्योंकि ये शिक्षा का मंदिर है, ये कभी सेल आउट नहीं होता। इसमें मैनेजमेंट कई बार होता है कि कोई काम करने वाला मेरे को अगर मैं बिजी हूँ तो मेंबर चेंज हो जाते हैं, काम करने वाले आ जाते हैं दूसरे, तो संतुलन तो सर फिर बना रहता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा, लेकिन जो सेल आउट का है वो पूरी तरीके से बेफजूल बात है, मतलब लोगों की ऐसा कुछ नहीं है। टैगोर हमेशा से ही बढ़िया संस्था रही है बाजरा की और हमेशा रहेगी, और स्कूल मैं संभाल रहा हूँ, डॉक्टर रिचागर जी हमारे साथ हैं 4 साल से 5 साल से ये देख रहे हैं, और आपने इनसे पूछे हैं काफ़ी बढ़िया बात बताई है इन्होंने। कुछ एक चीज़ें मैं भी बताता हूँ आपको गुलशन जी, जैसे मैं यहाँ पिछले 10 साल से इसमें सेवा दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ के देखा बच्चों से थोड़ी कमियाँ लगी, जैसे मैंने उसके बाद में एसी स्कूल किया, बादरा का फर्स्ट एसी स्कूल है अपना। लास्ट 3-4 साल से मैंने ये महसूस किया कि सर्दियों के दिनों में गवर्नमेंट की छुट्टियाँ हो जाती है, नहीं होती फिर भी थोड़ी सर्दी आउटर में ज़्यादा होती है, तो हमने हीटर की फैसिलिटी भी कर रखी है, बता फर्स्ट नर्सरी 2-8 तक के सारे क्लासेस में हम हीटर भी देते हैं सर्दी के अंदर। ये चाहे हमारे आसपास के क्षेत्र में कोई स्कूल में नहीं होगा, लगभग 200 किलोमीटर के एरिया में हॉर्स राइडिंग देते हैं हम। पीछे हमने 2 नेशनल लेवल भी कराए थे जिसमें हमारे खुद के बच्चे भी 20 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, भादरा के हमारे टैगोर स्कूल के 20 बच्चे आए थे, 2-4 और स्कूलों के भी बच्चे आए थे, और सभी स्टेट के बच्चे आए थे, और यहीं खाने का रहने का सबका इंतजाम यहीं किया गया था। सर, जिन लोगों ने ये अफवाह बाजार के अंदर फैलाई कि टैगोर स्कूल बिक गया है या जिस तरीके की बातें थी, क्या उनको आप संदेश देना चाहेंगे? उनका मेरे को संदेश, ऐसे बंदों को कोई संदेश दे नहीं सकता और उनके इस बात का कोई असर भी नहीं होता। नहीं सकते सर, शिक्षा अपन नहीं दे सकते, उनका जो सोच विचार का तरीका है उसको हम नहीं बदल सकते, उसको तो हम इसी वे में उनके माध्यम से और लोगों को संदेश देना चाहते हैं। जो आदमी आपको ये ऐसी बात बोले तो उनको बोलो जी आप अपनी बात सही तरीके से रखो, बात को दूसरों के लिए बोलना बहुत गलत बात है, खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए आदमी। हमारे साथ नितिन सराफ जी, यहाँ की प्रिंसिपल डॉक्टर रिचा गर्ग जी थी, और एक तरीके से कहे तो भादरा सेक्टर एजुकेशन जो सेक्टर के अंदर है काफ़ी आगे बढ़ रहा है, और इस मुहिम में इस कार्य में हम सबको सहयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति जिस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है उसके साथ लगकर उस चीज़ में मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर भादरा किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो एक आम आदमी का भी फायदा है। अगर टैगोर स्कूल आज इतनी शानदार हीटर, एसी, स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग और इनके अलावा एजुकेशन की जो सुविधा दे रहा है वो हम सबके बच्चों के लिए है, हम सबके बच्चों के भविष्य के लिए है। और आपको भी मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूँगा कि आप एक बार विजिट अवश्य कीजिएगा इस स्कूल को, और हिसार बाईपास के नज़दीक ये स्कूल आप जानते ही होंगे, मुख्य रोड पे है, और पटुआ की साइड या हिसार की साइड अगर जाते हैं तो ये स्कूल आपको दिखाई भी देगा। तो आप तमाम लोग इस हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, आप लोगों ने हमें समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप दोनों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने हमें टाइम दिया। और आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। शिक्षा, मैं भादरा टैगोर स्कूल से गुलशन सोनी, धन्यवाद।